प्रेस क्लब शिमला द्वारा वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर विप्पाराव के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राजधानी शिमला के पत्रकारों ने प्रोफेसर विप्पाराव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकारों ने प्रोफेसर विप्पाराव के जीवन परिचय व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए अपने अभूतपूर्व बलिदान को याद किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत ने प्रोफेसर विप्पाराव के जीवन से पत्रकारिता से जुड़े सभी लोगों को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। गौर हो कि प्रोफेसर विप्पाराव का निधन 31 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जहां वे 76 वर्ष की आयु में दुनिया से अलविदा कह गए। वो बहुत ही मतलब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट तो थे प्रोफेसर विप्पाराव, उसके अलावा एक बहुत अच्छे टीचर भी थे, और इस बात का सबूत उनके स्टूडेंट्स को देख के आज लग जाता है, जो देश में पूरे मीडिया जगत में छाए हुए हैं। और मुझे लगता है आज प्रेस क्लब ने ये जो श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ किया है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट आयोजन है, और पत्रकारों की संस्था द्वारा ये आयोजन किया जाना, इसके लिए मैं प्रेस क्लब का भी आभारी हूँ। हम भी उनके स्टूडेंट रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट उनके आज जहाँ भी होंगे देश भर में, इस आयोजन को लेकर सभी इस बात को लेकर खुश होंगे कि प्रेस क्लब द्वारा ये आयोजन किया गया है। और जहाँ तक उनका अपना ताल्लुक है, उन्होंने पूरी जीवन अपना पत्रकारों के लिए ही, एक तरह से पत्रकारिता जगत के लिए ही उनका पूरा जीवन समर्पित था। उनसे सिर्फ क्लास में ही बच्चे नहीं सीखते थे, बल्कि सड़क पर चलते हुए आशियाना में या रेस्टोरेंट में बैठ के भी उनसे हमेशा पत्रकारिता सीखते रहते थे। और उनका ये मानना भी था कि पत्रकारिता कभी भी किसी क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती, अगर पत्रकारिता वास्तव में बच्चों को पत्रकार बनाना है तो उन्हें क्लासरूम से बाहर निकालना होगा। तो आज मुझे लगता है सिर्फ उनकी टीचिंग्स को भी एक नए सिरे से अपनाने की ज़रूरत है, और जो वो कहते थे उसी तरह से जर्नलिज्म को और जर्नलिज्म में जो एथिक्स हैं और जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक लड़ाई लड़ी है, उन सबको आज बनाए रखने की भी बहुत ज़रूरत है। यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।